अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह का टाइम है, काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है, पिजन्स हमारे धूप लगवा रहे हैं सारे, बेबी पिजन भी ऊपर बैठा हुआ है और एक नया अंडे का शेल बाहर पड़ा हुआ है और मेरे ख्याल से नए पेयर ने बच्चे निकाल लिए। तो अंदर चल के देखते हैं। खाना मैंने इनको कल इतना ज़्यादा डाल दिया था, इतना ज़्यादा कि इनका पेट फुल है और अभी भी खाना अंदर वैसे भी पड़ा हुआ है। तो अंदर चलते हैं, एक शेल वो भी पड़ा हुआ है, वो भी पड़ा हुआ है, तो देखते हैं निकाले हैं या ये उसी पेड़ के बच्चों के शेल हैं। तो अंदर मैं जाऊंगा तो सारे मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, क्योंकि सारे पिजन अंदर हैं, ये उड़ के बाहर निकलेंगे जिससे मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। बस हल्का सा ही देखते हैं, दिखाओ। और नहीं, इसके बच्चे नहीं निकले अभी तक। तो बस मैं बाहर आ गया हूँ जल्दी से, कपड़े मेरे बच गए। तो आज खाना वगैरह हम अंदर ही डालेंगे, क्योंकि आज मैंने किसी काम से जाना है। तो बर्ड्स को किसी को भी नहीं खोलेंगे, इसलिए आज मैं मिट्टू को भी ऊपर नहीं लेके आया। तो रिंग नेक को काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती थी और जो मैंने कपड़ा पहले इसको रखा हुआ था वो इसने बिल्कुल खा लिया था, तो मैंने नया कपड़ा इसके लिए लगाया था। तो ये मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा ऐसे, फिंच का भी हटा देते हैं। और मेल फिंच अभी भी अंडों पे बैठा हुआ है, फीमेल बाहर है। इनको भी खाना डालते हैं, इनको भी खाना डालते हैं और इनको आज बाहर नहीं निकालना। कॉलोनी का ये है कि कॉलोनी खोल देंगे और मतलब वो तो वैसे ही पैरेट्स अंदर ही होते हैं, तो सबसे पहले मैं कॉलोनी खोल लेता हूँ। कॉलोनी मैंने खोल ली है और हमारे डव्स किधर हैं? वो सामने मेल डव है, वो फीमेल है, बेबी डव ये बैठा हुआ है। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि कॉलोनी वाले पैरेट्स को खाना डाल देता हूँ, फिर फिंच और रिंगनेक को डाल देंगे और एंड पे हम डाल देंगे पिजन्स को। तो खाना मैं ले आए कॉलोनी वाले पैरेट्स का, तो इनको डालते हैं। ये एक मैंने डाल दिए, इनको ये दो डाल दिए, ये मैंने इसमें भी डाल दिए, छोटे वाले पॉट में भी डाल दिए, बड़े में भी डाल दिए। अब ये खाते रहेंगे आराम से। तो अब हम चलते हैं रिंग नेक और फिंच की तरफ। धूप तो काफ़ी अच्छी थी, पर ज़रूरी काम है जिस वजह से जाना पड़ेगा, नहीं तो मिट्टू को भी ऊपर लेके आते और रिंगने को भी बाहर निकालते। तो रिंगने को भी कवर कर देंगे ठंड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है अंदर। तो खाना डालते हैं उनको मैं। मेल फिश भी बाहर आ चुका है और रिंगनेक भी खाना खा रही है, दोनों को मैंने खाना डाल दिया। तो अब ऐसा करते हैं, इनको कवर कर देते हैं और दरवाज़ा भी बंद कर देते हैं। फिंच को मैंने कवर कर दिया, बारी है रिंगनेक की, इसको भी कवर कर देते हैं। तो दोनों को मैंने कवर कर दिया, दोनों का खाना उठा लेते हैं और ले चलते हैं बाहर, बाद में इसको दरवाजे को बंद भी कर देते हैं। पिजन्स का खाना ख़त्म हो गया था डब्बे में, तो मैं जल्दी से फिल कर लेता हूँ इसे। खाना मैंने फिल कर लिया, पैरेट्स अभी तक नीचे नहीं उतरे खाना खाने के लिए, तो मैं पिजन्स का खाना ले आया हूँ, इनको डाल देते हैं। और वो जो फैंसी पिजन हमारे घर आता होता था, वो शायद किसी ने पकड़ लिया उसको, इसलिए वो अब नहीं आता, या पता नहीं क्या उसके साथ कोई हादसा वगैरह हुआ है। तो इन सब पिजन्स के बच्चे हैं, तो इसे ये खाना खाने आ चुके हैं सारे। आज मैं ज़्यादा सारा इनको खाना डाल दूँगा ताकि आराम से खाते रहें। खाना मैं डाल चुका हूँ, इनको लॉक करने लगा हूँ, इनको पानी इनको डला हुआ है।
तो सारे तकरीबन नीचे उतर आए हैं खाना खाने के लिए। बेबी पिजन ऊपर बैठा हुआ है, दूसरा बेबी पिजन मेरे ख्याल से अंदर है। तो सारे पिजन बाहर आ चुके हैं, दूसरा बेबी पिजन आज बाहर नहीं आया, वो अंदर ही है, शायद उसका पेट फुल है। तो इस साइड पे मैं आ चुका हूँ, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। दरवाज़ा भी बंद हो चुका है, पिजन्स को भी मैंने दाना डाल दिया, पानी इनका पहले का डला हुआ था, कॉलोनी मैंने खोल दी, इनको भी खाना पानी डाल दिया, पर अभी तक ये नीचे आए नहीं है खाना वगैरह खाने। तो आज फिर काफ़ी अंडे नीचे पड़े हुए हैं, तो रोज़ ही का अब ये मामला हो गया अंडे नीचे पड़े होना। 15-15, 17-17 अंडे दिए हैं, पर बच्चे एक ने भी नहीं निकाले अभी तक, और जो निकालती है वो खुद ही मार देती है, अजीब तरीका है इनका। माशाल्लाह से अब हमारा जो जिनके बच्चे बड़े हुए हैं वो पेयर फिर से अंडे देने वाला, वो वाइट मेल है जो, और उसकी जो फीमेल है, मतलब ये दोबारा से अंडे देने वाले हैं। तो इसी के साथ फिर आज का व्लॉग एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।